ये खौफनाक मंजर आखिर आ रही है तो कहां से आ रही है? कब तक ये खौफनाक मंजर देखने को मिलेगी? किसी की बेटी है, किसी की घरवाली है, किसी की बहन है, किसी परिवार के वो सदस्य रहे हैं, तो आखिर है कौन? कम एज की महिला है, हमको लगता है 25 वर्ष से अंदर की महिला है। जी जी। और उसको निकाला गया, उस समय बहुत ज्यादा भीड़ थी। जितनी भीड़ थी अभी तक किसी ने नहीं इस महिला को बताया है। प्रेग्नेंट भी आपको लग रही है? हमको भी लग रहा है प्रेग्नेंट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ एक लाश पड़ी हुई है। ये महाराजी पोखरा है और इस महाराजी पोखरा से अहले सुबह एक लाश पड़ी मिली है। आए दिन ऐसी घटनाएं मधुबनी, दरभंगा, कहे तो मिथिलांचल के किसी भी कोना में जाएंगे तो देखने को मिल जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि ये दूसरी घटना महाराजी पोखरा मधुबनी सूरी स्कूल के बगल में है, जहां से लाश निकली है। एक लाश जब इंद्र पूजा हो रही थी उस समय निकली है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की भीड़ है। भीड़ क्यों है वो आपको बता दे, यहाँ एक 25 से 26 वर्षीय औरत जिसकी लाश इस पोखरा से मिली है। आज पोखरा की सफाई करने के लिए लोग जब पहुंचे, दो दिन बाद छठ पर्व है। छठ पर्व से पहले पोखरा के किनारों की सफाई की जाती है। सफाई के दरमियान ये लाश मिली है। जब लोग इस लाश को देखे हैं तो हतप्रभ हो गए हैं। आखिर ऐसी मर्माहत घटना क्यों मिल रही है? कैसे ये घटना घटी है? ये लाश कहाँ की है? ये जानकारी अब तक प्राप्त नहीं है। अज्ञात लाश के रूप में यहाँ लाश पोखरा के किनारे पड़ी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस लाश के बारे में अब तक किसी प्रकार की खबर नहीं मिली है। या तो उसे मार करके इस पोखरा में डाल दी गई है, या कहें कि पोखरा के किनारे जब किसी भी कार्य से आए होंगे तो उनका पैर फिसल गया होगा। कारण जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ अज्ञात लाश के रूप में लगभग 4-5 घंटा बीत गई है और अब तक कोई इस लाश को लेने के लिए नहीं पहुँची है। मधुबनी प्रशासन यहाँ पहुँच करके इस लाश को अपने कब्जे में लिए हैं। अब यहाँ लाश पड़ी हुई है, तो आखिर ये लाश है किसकी? सवाल तो बहुत बड़ा है ना। आप जानते हैं कि ऐसी दुर्दांत घटना आखिर क्यों घट रही है? एक महिला जिसकी लाश इस पोखरा में क्यों तैर रही है और तैरती रही और ऐसी घटना घटती रहेगी, तो न जाने आने वाले समय में मिथिलांचल की धरती मधुबनी इतनी गंदी क्यों हो रही है। जहां मिथिलांचल में मिथिला कला को लेकर के, मधुबनी कला को लेकर के एवं पान मखान को लेकर के विख्यात है, तो ऐसी घटनाएं आम क्यों होती जा रही है? क्या नाम है? मनोज कुमार मुन्ना जी। मुन्ना जी बताइए, आप लोग लोकल हैं जी, इससे पिछले वाला भी घटना देखे हैं जी, जी। और ये हाल फिलहाल में घटना हो चुकी है जी। लाश की पहचान हुई है? नहीं, अभी तक कोई पहचान नहीं हुई लाश की। यहाँ पहुँचे तो उसके बाद क्या देखे आप लोग? हम साढ़े दस बजे मुरली मनोहर पोखरा पे थे। वहाँ पे आज से छठ शुरू है तो घाट की साफ सफाई करवा रहे थे, तो जैसे ही हमको जानकारी में आया तो हम जस्ट पहुँचे। ये महिला की लाश पहले पानी में थी। कहाँ पे लगवा में थी? बीच में या इसी साइड में? इसी साइड में, थोड़ा साइड में थी। हाँ, और बड़ी मुंह अंदर था और पीठी का सीन था, तो यहाँ पे सफाई हो रहा था उधर। छठ पर्व है तो सफाई हो रही थी। हाँ। तो उसको बुलवाया गया, दोनों महिला जो साफ कर रहा था घाट, उसको बुलवाया गया। वो अंदर गया और पानी से निकाल के, हमारे आने से पहले प्रशासन पहुंच चुकी थी। प्रशासन के माध्यम से निकाला गया, यहाँ के लोकल प्रशासन के कहने से निकाला गया है। निकाला गया, उसको ऊपर किया गया और महिला को उल्टाया गया। तो ये एक शादीशुदा महिला है, इसके गले में मंगलसूत्र है और हमको लगता है 25 वर्ष से अंदर की महिला है जी जी। और उसको निकाला गया, उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम सभी लोगों से पूछे, भाई आप लोग पता लगाए कि आप ही लोग के घर का किया किसी के घर का, तो पुलिस के नज़र में दिया जाएगा। लेकिन जितनी भीड़ थी अभी तक किसी ने नहीं इस महिला को बताया है और कोई नहीं कह रहा है कि हम अज्ञात महिला है। प्रशासन से हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि अब क्या है नहीं क्या है? कहेंगे, ये घटना आम होती जा रही है। किसी को मार के फेंक दिया गया हो या उनकी पैर फिसल गई हो, कारण जो भी रहा है, लेकिन आखिर यदि पहचान की रहती अगल बगल मधुबनी शहर के अगल बगल के 10 किलोमीटर की रहती तो ये खबर उन तक पहुंच गई होती। तो लगता है कि आपको ये घटना अंजाम जो दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है? ये तो अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, अभी कहना मुश्किल है।
अब कोई मार के फेंक दिया है या सुसाइड कर ली है, यह तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी घटना है दुखदायी घटना है, अभी छठ के समय में इस तरह से और शादीशुदा महिला का पानी में मिलना, प्रेग्नेंट भी आपको लग रही है? हमको भी लग रहा है प्रेग्नेंट। इस प्रकार से उसके बॉडी को देखने के बाद पता चल रहा है कि महिला प्रेग्नेंट है। ये खबर आग की तरह फैल गई है। आसपास के लोग या उनके परिजन जैसे जानकारी होती तो यहाँ पहुँचते तो उनके परिवार के कोई सदस्य गायब हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, लेकिन अब तक नहीं पहुँचे हैं। 4-5 घंटा से यहाँ पोखरा पर भीड़ लगी हुई है, तो आखिर ये लाश है कहाँ की? आखिर इस प्रकार की घटना क्यों घट रही है? लोग क्यों इतना निर्दयी होते जा रहे हैं, ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए बाध्य हो रहे हैं? आखिर क्या उनकी गुनाह थी, क्या उन्होंने किसका बिगाड़ दिया था? उस महिला को इस पोखरा में फेंक दी गई है। सवाल बना रहेगा, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी परिवार के सदस्य गुम हो गए होंगे तो वो जरूर इस वीडियो के माध्यम से पता लगाएंगे। अभी पोस्टमार्टम के लिए इस लाश को ले जाई जाएगी और तब तक उस परिवार तक पता चल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।